मोदी 26 और 27 मार्च को बांग्लादेश के दौरे पर हैं। कोरोना महामारी के बीच पीएम मोदी की ये पहली विदेश यात्रा होगी। दरअसल बांग्लादेश अपनी आजादी की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि हैं और ढाका में स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में शिरकत करेंगे। साथ ही बांग्लादेश के संस्थापक बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के जन्म शताब्दी समारोह में भी हिस्सा लेंगे। अपने इस दौरे में मोदी बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के साथ कई द्विपक्षीय मसलों पर वार्ता करेंगे। इस दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी हो सकते हैं। ढाका की सड़कें बंगबंधु की तस्वीरों से सजी हुई हैं। ढाका में जश्न का माहौल है क्योंकि बांग्लादेश अपना 50वां स्वतंत्रता वर्ष और शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी मना रहा है। 2021 भारत और बांग्लादेश के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ और बांग्लादेश की आजादी की 50वीं वर्षगांठ भी है, जिसमें भारत ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार 26 मार्च को बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजधानी ढाका में होंगे। 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश के फादर ऑफ द नेशन शेख मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोला, आजादी की गुहार लगाई और 9 महीने चलने वाली जंग के बाद तब का ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना। इसमें भारत की एक बड़ी भूमिका थी और इसी चीज ने भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं उसकी नींव रखी। कोरोना महामारी के बाद यह पहली बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर होंगे। पीएम मोदी ढाका में 2 दिन रहेंगे। पीएम मोदी ने आखिरी बार 2019 के नवंबर में विदेश यात्रा की थी। शुक्रवार को जब वो ढाका पहुंचेंगे तो उनका स्वागत खुद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर करेंगी। इसके बाद सावर में राष्ट्रीय शहीदों के स्मारक का दौरा किया जाएगा, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 50 साल पहले बांग्लादेश की आजादी के लिए बलिदान देने वालों को श्रद्धांजलि देंगे। ये साल दोनों देशों के लिए अहम है क्योंकि भारत भी 1971 के युद्ध को याद करने के लिए अपना स्वर्णिम विजय वर्ष मना रहा है। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते इस वक्त सोनाली अध्याय यानी गोल्डन एरा से गुजर रहे हैं। आखिरी बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2015 में यहां ढाका में आए थे और कहीं ना कहीं उसके बाद काफी इंगेजमेंट हुई हैं, बल्कि आखिरी जो इंगेजमेंट हुई थी वो दिसंबर 2020 में हुई थी जब एक वर्चुअल समिट हुआ था भारत के प्रधानमंत्री और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के बीच में। उस पर फोकस था कनेक्टिविटी में कि कैसे बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के बीच कनेक्टिविटी बढ़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा ऐतिहासिक होगी ये देखते हुए ढाका में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। कोविड के दरमियान में प्रधानमंत्री साहब कहीं बाहर नहीं गए हैं, तो इन हालात में भी तभी भी प्रधानमंत्री साहब आ रहे हैं, इसका ये मतलब आप निकाल सकते हैं कि बांग्लादेश हमारे विदेश नीति में और हमारे पूरे स्ट्रेटेजिक अप्रोच में कितना भारी जगह लेता है। बांग्लादेश हमारे लिए हमारे एक्ट ईस्ट पॉलिसी और हमारे पड़ोसी पहले पॉलिसियों में, इन दोनों के मिश्रण में बिल्कुल बीच में आता है। पीएम मोदी ढाका से सबसे पहले ईश्वरीपुर में जोशेश्वरी मंदिर जाएंगे, जो देवी काली का मंदिर और हिंदू धर्म के शक्तिपीठों में से एक है। इसके बाद पीएम मोदी तुंगीपारा में बांग्लादेश के फादर ऑफ द नेशन शेख मुजीबुर रहमान की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर भी पीएम मोदी की बांग्लादेश यात्रा अहम मानी जा रही है क्योंकि पीएम मोदी बांग्लादेश के ओरकंडी भी जाएंगे, जो हरिचंद ठाकुर की जन्मस्थली है, जिन्होंने मतुआ संप्रदाय का गठन किया था। मतुआ संप्रदाय के विस्थापितों का एक वर्ग पश्चिम बंगाल चुनाव में 70 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान को प्रभावित कर सकता है। मतुओं की प्रमुख मांग नागरिकता है और ये सीएए कानून से जुड़ा है। अपने दौरे में मोदी प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ कई द्विपक्षीय मसलों पर वार्ता करेंगे। इस दौरान कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर हो सकते हैं। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते दुनिया भर में एक मिसाल हैं। कोविड वैक्सीन हो या कनेक्टिविटी हो, हर डोमेन में कुछ ना कुछ फोकस रहा है।
भारत के प्रधानमंत्री जब यहाँ ढाका आएंगे, यहाँ ढाका में तो वो रहेंगे ही, बट ढाका के बाहर भी जाएंगे, वो एक शक्तिपीठ जाएंगे। इसके अलावा मटुआ समुदाय के संस्थापक की जन्म स्थली भी जाएंगे और इससे वेस्ट बंगाल जो इलेक्शंस हैं उसमें कहीं ना कहीं हलचल हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ सिद्धांत सिब्बल, जी मीडिया, ढाका। तो पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे से पहले जी न्यूज आपको हर पल की अपडेट देने के लिए ढाका पहुंच चुका है, क्योंकि हमारे सहयोगी इंटरनेशनल न्यूज चैनल वियॉन के डिप्लोमेटिक और डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट सिद्धांत सिब्बल इस वक्त ढाका में मौजूद है, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धांत, सवाल मेरा यह है कि पीएम मोदी की बांग्लादेश यात्रा के मुख्य मुद्दे क्या रह सकते हैं? बेहद ही अहम दौरा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ बांग्लादेश में, वो बांग्लादेश के दो दिवसीय यात्रा में होंगे और बहुत कुछ फोकस में होगा। आप कनेक्टिविटी की बात कर लीजिए, आप कल्चर की बात कर लीजिए। इस वक्त भारत और बांग्लादेश के रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करा जाता है कि वो गोल्डन फेस से जा रहे हैं, यानी सोनाली अध्याय से जा रहे हैं। और जब वो यहाँ आएंगे भारत के प्रधानमंत्री, तो वो शिरकत करेंगे जो यहाँ इंडिपेंडेंस की सेलिब्रेशन चल रही हैं। बांग्लादेश अपनी 50वीं इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी बना रहा है। हमें पता है कि 1971 जो लिबरेशन वॉर हुई थी बांग्लादेश की, उसमें भारत का एक बड़ा योगदान था और कहीं ना कहीं इस साल 50वीं डिप्लोमेटिक जो रिलेशनशिप है वो तो सेलिब्रेट हो ही रहे हैं, पर 1971 वॉर की विक्ट्री जो हुई थी भारत की, उसकी भी सेलिब्रेशन हो रही है भारत में। तो ये जो शेड का हेरिटेज है, हिस्टोरिकल हेरिटेज है, वो कहीं ना कहीं इस जो ये रिश्ता है भारत और बांग्लादेश का, उसकी नींव रखी है। और कहीं ना कहीं जो विजिट होगी, उस विजिट से रिश्ते तो अच्छे होंगे ही, स्ट्रेंथन होंगे ही, पर कहीं ना कहीं एक मैसेज है कि ये जो रिश्ते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच, वो दुनिया भर के लिए एक मिसाल हैं। कोविड वैक्सीन हो या कनेक्टिविटी हो, हर डोमेन में कुछ ना कुछ हो रहा है। सिद्धांत, इस वार्ता से भारत बांग्लादेश संबंधों में और मजबूती आने की भी उम्मीद की जा रही है, तो क्या कुछ समझौतों पर भी मोहर लग सकती है इस दौरान? जी, यहाँ बांग्लादेश में मैं आपको बता सकता हूँ, जब भारतीय प्रधानमंत्री आएंगे तो वो ढाका में तो रहेंगे ही, एक दिन ढाका में रहेंगे, अगले दिन यानी सैटरडे को वो ढाका से बाहर जाएंगे। वो तीन जगह जाएंगे, वो जाएंगे एक मजोलियम में, जो शेख मुजीब का जो मजोलियम है वहाँ जाएंगे, जहाँ उनका बर्थ प्लेस है। उसके अलावा वो जाएंगे मटुआ समुदाय के जो संस्थापक हैं उनकी जन्म स्थली पे। एक तरफ से मटुआ समुदाय, अगर वेस्ट बंगाल इलेक्शंस की बात करें, तो एक इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी है, वो जो सीट्स हैं उसमें उनका इम्पैक्ट होता है। और कहीं ना कहीं जब भारतीय प्रधानमंत्री जाएंगे वहाँ पे, तो उससे एक मैसेज जाएगा। इसके अलावा एक शक्तिपीठ भी जा रहे हैं, यहाँ पे काली माता का मंदिर है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो एक तरफ से शेड हेरिटेज तो दिखाती हैं, पर कहीं ना कहीं इससे जो बंगाल का जो चुनाव है, उस चुनावी माहौल, जो गर्म चुनावी माहौल है, उसमें हलचल मच सकती है। जो इलेक्शंस शुरू होने वाले हैं, जो वोटिंग शुरू होने वाली है, वो सैटरडे से ही शुरू होने वाली है। और भारत के प्रधानमंत्री एक तरफ से जो यहाँ बांग्लादेश में जब होंगे, तो एक तरफ से डिप्लोमेसी में तो फोकस होगा ही, पर कहीं ना कहीं जो डोमेस्टिक डेवलपमेंट्स हैं भारत में इलेक्शंस की अगर बात कर लें, वो भी कहीं ना कहीं फोकस में दिखाई दे सकता है। धन्यवाद आपका सिद्धांत, ये सारी जानकारी साझा करने के लिए, क्योंकि आप वहां पर हैं तो प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी उस बाबत हर एक जानकारी आपके जरिए हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण है ये दौरा, कोरोना काल में पहला दौरा, तो इसमें बांग्लादेश यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी का जो कार्यक्रम है वो क्या क्या होगा, शेख मुजीबुर रहमान की समाधि पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे, पीएम नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा बहुत अहम है, कई ऐसे समझौते हैं जो दोनों देशों के बीच हो सकते हैं, मतुआ समुदाय के जनक माने जाते हैं हरिचंद ठाकुर, और पश्चिम बंगाल चुनाव में मतुआ समुदाय का पूरा प्रभाव है। आपको बताएं, इसको लेकर एक बड़ा वोट बैंक है पश्चिम बंगाल में, जिसे साधने की कोशिश खुद बीजेपी भी कर रही है। ब्रेक ले रहे हैं छोटा सा। प्रेजेंटिंग वी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड एप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।